फैमिली क्या हाल है आप लोगों की। तो आप सब खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे, अलहमदिल्ला मैं भी ठीक हूँ, मज़े से हूँ। तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा है कि हमने आज प्रोग्राम बना लिया है भाई कैटल फार्म जाने का। तो मैंने कहा यार सीज़न आ चुका है, महीना डेढ़ महीना रह चुका है, तो क्यों ना हम भी जाएँ कैटल फार्म, ज़रा देखें क्या जानवर है, किस तरह के जानवर है इस दफ़ा आए हुए और क्या क्या सीन्स हैं आजकल चल रहे हैं मंडी में। बहुत सारे लोग व्लॉग्स डाल रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं इन्जॉय कर रहे हैं, तो भाई हम भी चलते हैं और देखते हैं क्या सूरत हाल है मंडी की। तो भाई मैंने बॉयज़ को बोला भाई चलो, लेकिन आज जो है ना हम कैटल फार्म जा रहे हैं, मंडी नहीं जा रहे हैं। मंडी इसलिए नहीं जा रहे हैं भाई क्योंकि मंडी में जो है ना सीन थोड़ा ऑफ चल रहा है और रात वैसी हो चुकी है, तो वहाँ दिन में जाने का टाइम है। तो इसलिए जो है ना मैंने सोचा भाई रात के टाइम हम चलते हैं कैटल फार्म, आप कभी दिन में मौका मिलेगा तो फिर हम दिन में मंडी भी जाएंगे, मंडी भी डिस्कवर करेंगे कि भाई वहाँ की क्या सीन है। नई जगह मंडी लगी है तो देखें भाई कैसी मंडी है, किस तरह की मंडी है, तो पता चलेगा उससे अंदाज़ा होगा। तो बस अभी चलते हैं, धंधो हमारी रेडी खड़ी हुई है बिल्कुल, तो बॉयज़ को उठाते हैं, मंडी का सीन बनाते हैं, मंडी चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैटल फार्म में किस तरह के जानवर हैं और हमारी रेंज में आएंगे या नहीं आएंगे ये तो जाके पता चलेगा। सही है ना, ये सब काम करेंगे, लेकिन उससे पहले आज का व्लॉग शुरू करते हैं। हाँ तो भाई बैठ चुके हैं धंधों में, अब जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं और फटाफट चलते हैं और बॉयज़ को उठाते हैं। जी दोस्तों, तो भाई अपनी पहले डेस्टिनेशन पहुँच चुके हैं, अपने भाई को लेने एक सही हमारे बड़े भैया हैं, तो उनको फ़ोन करते हैं, उनको बुला देंगे भाई जल्दी से आ जाओ और बहुत लंबा रास्ता है। फिर फटाफट जो है हमारे एक और भाई हैं, मतलब मेरे दोस्त हैं, कज़न भी हैं, उनको भी उठाना है। तो भाई बहुत अभी तो आधा पौना घंटा तो इसी में हमारा लग जाएगा, तो देखते हैं कब पहुंचते हैं, सबसे पहले उनको मैं फ़ोन करता हूँ। हाँ भैया। हाँ भाई आ जाइए बाहर, बाहर खड़ा हुआ हूँ। हाँ ट्रैफिक का दरिया है और गाड़ी में फंस के जाना है। हाँ ट्रैफिक बहुत है, जल्दी से आ जाओ, मैं बाहर ही खड़ा हुआ हूँ। सही है, चले चले, ओके ओके जी। तो भाई ये आ रहे हैं, इनका इंतज़ार करते हैं और फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। One hour later. जी मेरी YouTube फैमिली, तो भाई हमारे जो है दूसरे भाई को ले लिया हमने, ये बैठे हुए हैं और जो है ना आपका भाई पीछे आ चुका है। मैंने कहा भाई मुझे बुलाना है ब्लॉग, तो अब ड्राइवर हमने चेंज करना पड़ा है, अब हम जा रहे हैं हमारे एक और भाई को लेने मेमार। पिक एंड ड्रॉप चल रहा है अभी तक, सिर्फ मंडी का दूर दूर तक सवाल नहीं है कि हम कब पहुंचेंगे कब नहीं पहुंचेंगे। बुरा लगता है भाई आप लोग, कुछ हमें नहीं पता, लेकिन ये है कि अब मुझे उम्मीद है क्योंकि लियारी एक्सप्रेस वे हम चढ़ गए। ये देखे आप लियारी शुरू हो चुका है, तो बस कुछ ही देर में, बस थोड़ी दूर भाई, कितनी दूर है मंडी? करीब है, करीब है इंशाल्लाह, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट आधे घंटे में मैक्सिमम जो है ना हम पहुँच जाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं वहाँ के सीन्स। जी मेरी YouTube फैमिली, तो भाई फाइनली जो है ना बड़ी ख्वारी के बाद जो है ना पहुंच चुके हैं हम अपने अमीरों की मंडी, और यहाँ आपको जानवर दिखाते हैं, जानवरों का सीन दिखाते हैं। अभी हम एंट्रेंस पे खड़े हुए हैं और हल्की सी झलक आप ये देख लें, ये सारे हमारे बॉयज़ का गैंग चल रहा है, ये सारे जानवर अंदर खड़े हुए हैं, तो पूरे सीन्स दिखाएंगे आपको, अंदर चलते हैं। मैंने भी नहीं देखे अभी जानवर, मैं भी देखता हूँ और सारे सीन्स आपको दिखाता हूँ, अंदर चल गए।
जी दोस्तों, तो भाई माहौल कुछ ऐसा है कि यहाँ हम आ चुके हैं, आप ही सन्नाटा है क्योंकि आज जो है ना वीकेंड नहीं है, वर्किंग डे है, तो लेकिन आपको ट्यूसडे है आज, लेकिन आपको यहाँ के सीन्स दिखाता हूँ। यहाँ के सीन्स कुछ ऐसे हैं भाई, ये देखें माशाल्लाह। ओ ये ब्लू जानवर, अच्छा नहीं ये जानवर नहीं है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ठार। ये देखें आप, ये देखें आप, ये थोड़ा बीच में से हमारे ये आ गए थे। ये भी है एक जानवर, इसका बोरी हम जो मांग रहे हैं, जो भी कुछ दे दे, 500-600 हज़ार जो भी दे दे, घर का पलावा। ये देख लो, रिपोर्ट कर दो, छह दांत है लेकिन ये, लेकिन बिकने के लिए आया हुआ। आपके लिए सिर्फ ऑफर है, कोई भी 500-600 दे दे, हम उसको हरसी हवाले कर देंगे उसके। भैया आप ये देखे, आप अल्लाह की कुदरत माशाल्लाह शान, ये देखे आप, आगे चल के आपको दिखाता हूँ भाई, बेहतरीन जानवर है, अल्लाह ताला की कुदरत है। और जो है ना भाई, लोगों की मेहनत है, जो ये लोग मेहनत करते हैं पूरे साल, और जो है ना भाई साफ सी बात है, मेहनत के पैसे हैं। ये देखें आप माशाल्लाह, इसका वजूद देखें माशाल्लाह से, ये देखें आप, ये जो है माशाल्लाह, सारे जानवर जो है ना यहाँ एक से बढ़कर रह गए। मैं कहाँ कहाँ आपको दिखाऊँ, जहाँ जहाँ मेरी नज़र जा रही है ना, वहाँ एक से बड़ा एक जानवर है। तो अभी एक फार्म पे आए हुए हैं, कोशिश करते हैं 2-4 फार्म कवर करें और आपको दिखाएं कि इस दफ़ा जानवर में बकरीद पे क्या क्या माल आया हुआ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई, घूर के ऐसे देख रही है, देखें आप, जैसे हमारी बीवियाँ में घूर के देखती है ना, साइड वाली नज़रों से हम कोई उल्टा काम कर रहे होते हैं, ये ऐसे घूर के देख रही है तिरछी नज़रों से। सॉरी बहन, तुम्हारी नींद डिस्टर्ब करी हमने, चलते हैं आगे भाई, सॉरी, जा रहे हैं हम, टाटा। जी दोस्तों, तो भाई ये था फिब्बी कैटल फार्म का सीन, अभी एक और 2-4 फार्म और डिस्कवर करते हैं और आपको दिखाते हैं वैरायटीज़ 2-4 फार्म की। यहाँ ज़रा अभी थोड़ा रौनक इसलिए नहीं है यार, क्योंकि घर से बात है, वीकेंड नहीं है ना, वर्किंग डेज है, तो आप लेकिन वीक डेज वर्किंग डेज में आएंगे तो आपको यहाँ बहुत रौनक मिलेगी, बहुत मज़ा आएगा, सही है ना। अब जैसा कि आप देखें, एक जानवर मेरे सामने खड़ा हुआ है, तो ये चीज़ देखें आप माशाल्लाह से, ये देखें आप माशाल्लाह माशाल्लाह, इस जानवर की आप उठान देखें और उसका प्रिंट देखें, तो भाई अल्लाह की कुदरत है जो है ना, इन लोगों की मेहनत भी है, बार बार कहूँगा इन लोगों की मेहनत भी है और अल्लाह ताला की कुदरत है। इतने खूबसूरत जानवर हैं ना यहाँ पे, इतने अच्छे प्रिंट में और इतनी मेहनत से इन्होंने बड़ा करा है इन जानवरों को। अब आप देखें, आपको दिखाता हूँ, ये देखें माशाल्लाह से, पता नहीं आपको वीडियो में कैसे दिख रहे होंगे ये, लेकिन ये जो है ना मेरी हाइट से भी जो है ना ऊपर है, मतलब मेरी हाइट है 5'6", तो मेरे ख्याल से 6 फुट 6.5 फुट के 7 फुट के जानवर हैं ये। तो अब चलते हैं दूसरे कैटल फार्म चलते हैं और फिर वहाँ के सीन आपको दिखाते हैं। 5 मिनट्स लेटर। जी मेरी यूट्यूब फैमिली, तो भाई सीन्स अब कुछ ऐसे हैं कि भाई ये यहाँ के सीन्स कुछ ऐसे हैं, ये देखें आप। तो ये जगह जो है ना, ये है जमील मेमन सोसाइटी, आप एंटर होंगे तो ये इस तरह से सब मंडी लगी हुई है सारी VVIP, और आप अपनी फैमिलीज के साथ सबके साथ आ सकते हैं और कोई मतलब इशू नहीं है, जगह भी सेफ है, अच्छी जगह है, और मतलब मेन रोड से अंदर आके ये और सारी ये लाइन से यहाँ भी बने हुए हैं, अंदर इधर पीछे जाके भी फार्म हाउस बने हुए हैं, पीछे भी बने हुए हैं, बहुत सारे बने हुए हैं। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह सारे फार्म हाउस हमने देखे, बहुत जगहों पर देखे जानवर, माशाल्लाह एक से आए हुए, जानवर की कमी नहीं है बिल्कुल भी। और जो है ना रेट वगैरह जो है ना भाई, इस साल बहुत हाई फाई है क्योंकि महंगाई का दौर है और महंगाई बहुत है, तो भाई रेट भी उस हिसाब से ही है, दबा के रेट है, तो जो मतलब समझें 50% का इंक्रीज़ है। तो जो जानवर आपको समझें 5 लाख का मिलता था ना पिछले साल, वह 10 से 12 लाख रुपये का भाई, ये सोच कर आना। और ये देखें अब यहाँ के सीन माशाल्लाह से, सब खूबसूरत जानवर यहाँ खड़े हुए हैं, तो ये है यहाँ के सीन्स। आप इंशाअल्लाह मंडी जाएंगे तो वहाँ के सीन्स आपको दिखाएंगे और जो है वहाँ भी दिखाएंगे आपको क्या कहानी है, क्या कहानी नहीं है। तो यहाँ सारे VVIP जितने भी थे ना, सब यहाँ पे नामी गिरामी कैटल फार्म वाले हैं, जितने भी सब यहाँ पर हैं तो मौजूद हैं। अब देखते हैं, अंदर चलते हैं, 2-4 जानवर आपको दिखाते हैं, सही है ना, और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। जी मेरी यूट्यूब फैमिली, तो भाई इतने सारे कैटल फार्म घूमने के बाद जो है ना, मैंने एक ये फार्म निकाला है, पाक एशिया कैटल फार्म। आप इनके पास जानवरों की वैरायटी देखें माशाल्लाह से, हर किस्म के जानवर आपको यहाँ मिलेंगे, छोटे बड़े दरमियानी, ये छोटे छोटे जो है छोटी नस्ल के बच्चे, ये देखें मतलब ये खीरे नहीं है, पूरे जानवर है भाई, 2 दांत के, लेकिन बस शौकीनों की नहीं है भाई, जिसको पता है। तो जिसको भी आना हो भाई, मेन हाईवे से सीधा आप अंदर आएंगे, अंदर आते ही जो है ना आपके लेफ्ट हैंड पे पाक एशिया कैटल फार्म है, यहाँ आप आएँ, बेहतरीन जानवर है, रेट भी इनके मुनासिब है, जानवर भी अच्छे खूबसूरत है, हर कैटेगरी के जानवर है, देख लें दोबारा से, ठीक है भाई।
ये हमारे भाई दोनों यहाँ पर होते हैं, आप देख लें तो आएँ विज़िट करें, ज़रूर विज़िट करें, पसंद आए तो सौदा करें, बाकी कुर्बानी आपके नसीब की है, जो इनका नसीब हो जो आपका नसीब होगा अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मेरी तरफ से आप जितने मैंने फार्म हाउस घूमे हैं ना, फार्म हाउस बोल रहा हूँ, कटल फार्म घूमे, उनमें सबसे अच्छे इनके रेट लगे हुए, दरमियाने भी हैं, मुनासिब रेट मांग रहे हैं, कोई मतलब ज़्यादा वैसे नहीं कि जो मैं अंदर देख कर आया हूँ हाल, वो चीज़ नहीं है, लेकिन आए आप, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। भाई देख लें यहाँ पर, ये हमारे शौकत भाई हैं, ये हमारे मुजाहिद भाई हैं, यहाँ आए आप इनसे भी डील कर सकते हैं, और सेठ साहब इनके बाहर बैठे हुए उनसे भी डील कर सकते हैं, और ये आपको बेहतरीन जानवर दिखाएंगे और बेहतरीन इंटरटेन करेंगे, ठीक है मेरे भाई। अल्लाह ताला दरमियानी मंडी भी दिखाएंगे आपको एक दिन, तो भाई यहाँ तो हमारी दाल गलने वाली है नहीं, सारे जानवर हमारे आउट ऑफ रेंज है, अल्लाह पाक ने कभी दिए इंशा अल्लाह पैसे इतने, तो इंशा अल्लाह लेंगे अल्लाह पाक ने चाहा तो, लेकिन अभी तो भाई फिलहाल यही सीन है। तो आप जा रहे हैं खाना खा रहे हैं, बड़ी भूख लग रही है, कुछ थोड़ा बहुत आसरा करें और भी कुछ खाएँ या देखते हैं क्या सीन है। आनंद साहब कुछ समझ में आया, कुछ जानवर बहुत सारे आए ये कह रहे हैं, मैं जो है ना चेक बुक लेकर आऊँगा अगले नेक्स्ट विजिट में, तो उनकी चेक बुक दरअसल जो है ना बैंक वालों सब कर लिए, क्योंकि अकाउंट में बैलेंस खत्म हो गया था इनके तो वो जो है ये अकाउंट में बैलेंस डलवाएंगे, क्लियरेंस करवाएंगे। हाँ दोस्तों, तो भाई माहौल कुछ यूँ है कि भाई मंडी का सीन हो गया ख़त्म और बॉयस को लगी थी अब भूख, तो वो जो है ना क्या कहते हैं अब खाने बैठे हैं हम रोल वोल, और ये देखें हमारा ऑर्डर है रोल, और थोड़ा बहुत हमने कहा चलो हल्का फुल्का खा लेते हैं, क्योंकि घर जाके खाना खाना है, बेगम इंतजार कर रही खाने पर, अब बोल कर आया था मैं घर पे खाना खाऊंगा, बहुत मारेगी बेगम, तो अब घर जाएंगे हल्का फुल्का यहाँ खाते हैं और घर जाते हैं फिर घर पे खाना खाते हैं। 12 o'clock midnight। जी मेरी यूट्यूब फैमिली, तो भाई जैसा कि आपने देखा आज का पूरा मंडी का सीन, तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आए हो, जानवर पसंद आए हो और मेरा ब्लॉग पसंद आए हो, और जैसा कि मैंने बोला था खाना जो है बेगम के साथ खाएंगे घर जाके, बेगम इंतज़ार कर रही हैं, तो भाई घर आ चुके हैं, ये हमारा खाना है आज का, सही है तो खाना खाते हैं ठीक है, और टाइम बहुत हो गया है तो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं भाई, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्त करिएगा ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी अच्छे व्लॉग के साथ, इस उम्मीद के साथ अपना ख्याल रखेंगे, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।